हेलो स्टूडेंट्स दिस इज़ दीक्षा हेयर टुडे वी डिस्कस कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ क्लास एवं ऑफ चैप्टर फिफ्थ सो व्हाट इज़ कॉम्प्लेक्स नंबर इन दिस वीडियो वी गिव द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर अब आपको मैं आपको बताती हूँ कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है इसकी इंट्रोडक्शन देती हूँ सबसे पहले आपको मैं बता दूँ कि हमारे साइंटिस्ट थे यूलर्स उसने उन्होंने दी थी कॉम्प्लेक्स नंबर की विकचान उन्होंने वो फर्स्ट मैथमेटिशियन थे जिन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था आइटा का सिंबल अब आइटा का सिंबल हमारे पास आइटा का सिंबल होता है हमारे पास ऐसे ये जो होता है ना स्मॉल आई ये आपको लग रहा होगा कि स्मॉल आई है इसको बोलते हैं आइटा क्या बोलते हैं आइटा यहाँ पर ये ये सिंबल किसने इंट्रोड्यूस करवाया था एलर ने इंट्रोड्यूस करवाया था ये वाला हमारा सिंबल आइटा का आइटा की वैल्यू किसके इक्वल होती है आइटा की वैल्यू होती है रूट ऑफ माइनस वन की इक्वल अब यहाँ से अगर मैं आईटा स्केयर निकालूँ तो आईटा स्केयर क्या आ जाता है माइनस वन ये आपको वैल्यू पता होना चाहिए आगे यूज़ करनी पड़ेगी कि आईटा स्केयर की वैल्यू क्या होती है माइनस वन होती है अब अच्छा हम ऐसे पढ़ते हैं ना मैथ्स में इक्वेशंस वगैरह में जो आप टेंथ में पढ़ते हो चैप्टर की यहाँ पर माइनस वन है फिर ये माइनस वन मतलब ये अंडर रूट में आ जाता है मतलब कि ये प्लस माइनस वन हो करके आइटा ले देते मतलब यहाँ पे जो न, ये जो आई लिखते हैं ना ये आई किसको डिनोट करता है ये आई है वो आइटा है इमेजिनरी नंबर को ये बुक्स में ना थोड़ा सा ऐसे फॉर्मेशन में भी बना होता है तो इसकी ना अलग अलग वो होती है फॉर्मेशन ये इमेजिनरी नंबर होता है ये हमारा इमेजिनरी नंबर होता है ये हमारा आइटा होता है देखो आगे हम थोड़ा सा पढ़ते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर में ये चीज़ें क्या होती हैं कॉम्प्लेक्स नंबर होता है क्या देखो फाइव प्लस सेवन आइटा टू प्लस थ्री आइटा ये सब चीज़ें ये सब एग्जाम्पल्स दे रही हूँ मैं ये आपको ये कॉम्प्लेक्स नंबर के एग्जाम्पल है मतलब कैसे होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे होते हैं मतलब इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ए प्लस आइटा बी इसको बोला जाता है स्टैंडर्ड फॉर्म यही पहचान है आपसे पूछे कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है ये ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर है अब आपसे मैं ये बोल दूँ खाली फाइव प्लस कुछ टू एक्स ये कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है मतलब कि ऐसा चीज होनी चाहिए ए प्लस आइटा बी बन रहा हो वही कॉम्प्लेक्स नंबर चाहे बीच में माइनस हो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है बट फॉर्म ऐसी होनी चाहिए वो हमारा क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर ये हमारी क्या स्टैंडर्ड फॉर्म बोली जाती है कॉम्प्लेक्स नंबर की अब ये जो इस फॉर्म में ना ये चीज़ होती है ना इस वाले पार्ट को बोलते हैं कि ये इसका रियल पार्ट है क्या बोलते हैं कि ये इसका रियल पार्ट है और इस वाले पार्ट को बोलते हैं ये इसका इमेजिनरी पार्ट है अच्छा अगर मैं इस वाले एग्जाम्पल में आपसे पूछूँ कि इसका रियल पार्ट क्या इसका रियल पार्ट है फाइव रियल पार्ट इसका है फाइव और इमेजिनरी पार्ट क्या है इसका सेवन सेम इसमें रियल टू इमेजनरी थी तो आपको ये पता होना चाहिए वन वर्ड वन वर्ड्स के क्वेश्चंस में पूछ भी सकते हैं कि रियल नंबर कौन सा है इसमें और इमेजिनरी पार्ट इसका कौन सा ठीक है ये क्लियर है रियल और इमेजनरी नेक्स्ट हम इसमें पढ़ते हैं इक्वेलिटी दो कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर की इक्वलिटी इक्वैलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर अब देखो इक्वलिटी क्या होती है आपने ये छोटी छोटी चीज़ें इसकी अच्छे से समझ ली ना आपको एक चैप्टर करने में कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी इक्वेलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब कि इक्वल होता है जैसे टू कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया एक ले लिया जेड वन इक्व टू ए प्लस आइटा बी ठीक है जेड वन इक्व टू आई ए प्लस आई बी ये ऐसे यहाँ पे ऐसे लिखा जाता है जेड इक्व टू ए प्लस आइटा बी ये स्टैंडर्ड फॉर्म यही होती है ठीक है एक है हमारे पास जेड टू इक्वल टू ए यहाँ पे कुछ और है मान लो सी प्लस आइटा डी है क्योंकि ये दोनों सेम तो नहीं हो सकते ना अब ये इक्वलिटी का मतलब होता है बेटा इक्वलिटी का मतलब इक्वल क्या होता है इक्वल कि इक्वल है इफ़ एंड ओनली ये इक्वल कब होंगे देखो ये इक्वल है मान लो इक्वल का मतलब बता क्या है कि ए की ए जो है किसके इक्वल है सी के और बी की वैल्यू किसकी इक्वल है डी की अगर आपसे कोई दो चीज़ में वैल्यूज पूछी गई हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की तो ये वाला मतलब ए सी के इक्वल है बी डी के इक्वल है मैं आपको ना इसका एक एग्जाम्पल से करवाऊँ ये मान लो ऐसे दे जाता है इसका क्वेश्चन कि जेड वन हमें दे रखे ए प्लस आइटा भी और जेड टू दिया गया है माइनस थ्री प्लस फाइव आइटा ठीक है आपसे पूछा जाए ए की वैल्यू क्या है माइनस थ्री बी की पूछेंगे तो फाइव ठीक है ये सेम ऐसे यहाँ पे मान लो टू प्लस सेवन आइटा है तो अगर मैं मतलब कंपेयर करना है एक तरफ से ए की वैल्यू टू है बी की क्या है सेवन ये हमारा टू कॉम्प्लेक्स तो नंबर हो गया नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि दो नंबर को ऐड कैसे कर सकते हैं एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर सिंपल है ऐड करने का भी कोई मुश्किल नहीं है मान लो जेड वन है मेरे पास ऐड करने के लिए टू प्लस थ्री आइटा और जेड टू है मेरे पास कुछ फोर प्लस फाइव आइटा कुछ भी एक्जाम्पल मैं आपको लेके ऐसे ही बता रही हूँ रेंडमली जेड वन प्लस जेड टू मतलब इनको प्लस करना है मतलब कि इनको इनको प्लस करना है टू प्लस थ्री आइटा प्लस फोर प्लस फाइव आइटा आइटा तो आपको बता दूँ प्लस कैसे होती है रियल वाला रियल से प्लस होता है इमेजिनरी वाला इमेजिनरी से प्लस होता है ध्यान से सुनो ये रियल वाला रियल से होता है रियल क्या है इसमें टू इसका रियल क्या है फोर ये रियल वाले इकट्ठे लिख लें प्लस चाहे आइटा आगे लिख लो चाहे पीछे थ्री प्लस फाइव तो सिक्स प्लस एट आइटा आइटा वैसे तो नंबर के बाद ही लिखे जाते हैं यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसे ब्रैकेट से तो ये हमारा क्या है एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर रियल वाला रियल से ही होगा सेम सब्ट्रैक्ट में अगर यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो जाती है मान लो तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ता टू माइनस फोर प्लस आइटा थ्री माइनस फाइव यही करना पड़ता ना तो एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में दोनों में सेम ही काम है ठीक है अब उसके बाद मैं आपसे अगर यहीं पे मैं मल्टीप्लाई की बात करूँ तो मल्टीप्लाई में भी यही काम है मल्टीप्लाई में भी ऐसा ही करना है मल्टीप्लाई में भी इनको ये तो वैसे मैं क्वेश्चन आएंगे तब आपको क्लियर करूँगी बट मल्टीप्लाई में भी ऐसा ही होगा कि जैसे टू फोर जो एट कर दिया चलो टू फाइव जो टेन आइटा यहाँ पे थ्री फोर जो ट्वेल्व आइटा ये तो पूरा मल्टीप्लाई वैसे ही करते जैसे हम नॉर्मल करते फिफ्टीन आइटा स्कीय अब एट प्लस टेन प्लस ट्वेल्व ट्वेंटी टू आइटा आइटा स्केर की वैल्यू मैंने आपको ऊपर ही बताई है क्या होती है माइनस वन तो ये हम पुट कर सकते हैं आइटा स्केयर की वैल्यू माइनस वन इसको हम ऐसे सॉल्व कर लेंगे तो ये मेरा मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा ठीक है इसके क्वेश्चन में आपको एडिशन मल्टीपिकेशन डिवाइड सब कुछ मिलेगा तो आपको ये वहीं से क्लियर हो जाएगा एक बार फिर भी आप इस चीज़ को थोड़ा सा अच्छे से जितना अच्छे से आप इस चीज़ को पढ़ोगे उतना ही आपको ये क्लियर हो जाएगी आगे मैं आपको थोड़ा सा जो मेन चीज़ है ना पावर ऑफ आइटा बताना चाह रही हूँ कि पावर ऑफ आइटा क्या होता है देखो पावर ऑफ आइटा होता है जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया आइटा स्केयर की वैल्यू क्या होती है मैंने बताया आपको माइनस वन बताई ना आइटा स्केयर की वैल्यू तो मैं यही चीज़ बताती हूँ आइटा जीरो की वैल्यू होती है देखो वन आइटा वन की वैल्यू होती है आइटा ये आपको पता होनी चाहिए लर्न होनी चाहिए एक तरह से कि आइटा वन की वैल्यू होती है आइटा ठीक है अब अच्छा चलो ये इतनी पता चल गई ना आगे की हम निकालते खुद चले जाते हैं आइटा थ्री निकालू आइटा थ्री को मैं ऐसे लिख सकती हूँ आइटा स्केयर इंटू आइटा आइटा स्केयर की वैल्यू मुझे पता है कितनी है माइनस वन और खाली आइटा की मुझे पता है कि कितनी है आइटा तो ये आइटा क्यूब मतलब किसकी इक्वल है माइनस आइटा की समझ रहे हो ना कि हम आ, दो ये स्टार्टिंग की लर्न हो जाएंगी ना तो हम आगे की खुद निकाल सकते हैं पर हमें पता चल गया यहाँ से आइटा थ्री माइनस आइटा अब अच्छा आइटा फोर निकालते हैं आइटा फोर को मैं ऐसे लिख सकती हूँ आइटा स्केयर का स्केयर आइटा स्केयर की वैल्यू कितनी होती है माइनस वन माइनस वन का स्केयर निकाल लिया मैंने वन समझ रहे हो ना आइटा स्केर की वैल्यू हमने कर दी अच्छा आइटा फोर को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ डोंट बी कन्फ्यूज ये हमने ऐसे ही लिखना है आइटा थ्री इंटू आइटा भी लिख सकते हैं लिख सकते हैं ना अच्छा आइटा थ्री कितना है माइनस आइटा इंटू आइटा आइटा की वैल्यू क्या होती है आइटा वन की आइटा ही होती है ठीक है आइटा को आइटा से करेंगे आइटा स्क्यर और आइटा स्केयर की वैल्यू माइनस वन होती है तो तब भी प्लस वन ही आएगा तो आपको जैसे लगता है कि हम ऐसे सॉल्व करना चाहते हैं आप ऐसे भी कर सकते हो अच्छा अब मैं थोड़ा सा बड़ा निकालती हूँ आइटा फाइव निकाल के दिखाती हूँ आइटा फोर इंटू आइटा अब आइटा फ़ोर हमारे पास आइटा फ़ोर की वैल्यू कितनी? कितनी है वन और आइटा की वैल्यू कितनी है आइटा की वैल्यू मेरे पास आइटा ही होती है तो ये आ गया आइटा फाइव इसके इक्वल आइटा के इक्वल ठीक है इसी तरह से आइटा सिक्स निकल जाएगा आइटा फोर इंटू आइटा टू ठीक है अब आपको जैसे पता है ना डायरेक्ट कि आइटा फोर की वैल्यू वन होती है तो आप जरूरी नहीं है फिर दोबारा दोबारा इसको इतना लंबा खोलो आप डायरेक्ट लूट कर दो आइटा फोर वन होता है और आइटा स्के माइनस वन होता है ठीक है तो ये माइनस वन आ गया अच्छा आइटा टेन निकाल ले अब हम आइटा टेन निकाल के दिखाऊँ आइटा टेन हम ऐसे कर लो आइटा टू इंटू चाह आइटा एट ऐसे कर लो आप ठीक है आइटा टू हमें पता है माइनस वन और एट को चाहे हम ऐसे कर सकते हैं आइटा फोर का स्केयर और आइटा फोर की वैल्यू हमें पता है वन है वन का स्केयर तो माइनस वन इसी तरह से हम सारी वैल्यूज निकाल सकते हैं बड़ी छोटी सभी चीज़ की वैल्यू ये तो थी, थी थोड़ी वैसे सिंपल अगर अच्छा हमारे पास इन्वर्स में आ जाए अब इसका क्या मतलब होता है वन अपॉन आइटा मतलब होता है इसका हम ऐसे नंबर को कभी भी क्या करते हैं जैसे हम वहाँ पे रेशनलाइजिंग नहीं करते थे टेंथ में तो वैसे ही हमने रेसनालाइजिंग कर दिया कि आइटा ऊपर लिख दिया यहाँ भी आइटा हाँ ये रेशनलाइजिंग इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन में आगे यूज होगी बड़े क्वेश्चन में आइटा इंटू आइटा आइटा स्केयर आइटा स्केयर की वैल्यू माइनस वन ठीक है तो यहाँ से आगे मेरे पास आइटा स्केयर की वैल्यू माइनस वन होगी तो ये यह यहाँ पर मेरे पास आ जाता है माइनस आइटा ये चीज़ें ना पता होनी चाहिए कि क्या हो जाता है इसी तरह आप आइटा माइनस फोर निकालूँ क्या हो जाएगा वन अपॉन आइटा फोर चाहे आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो आइटा फोर की जब ऐसे वैल्यू मुझे पता है कि वन है चाहे आप डायरेक्ट कर दो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको जैसे ईजी लगे आप वैसे कर सकते हो ठीक है ठीके? ये थोड़ा सा मेन चीज़ थी ये आपको ना थोड़ा सा पता होना चाहिए कि क्या चीज़ होती है क्या नहीं होती तभी आप इसका कर सकते हो इसी की एक जनरल फॉर्म होती है कि रूट ऑफ माइनस ए किसके इक्वल होता है रूट ऑफ ए आइटा के इक्वल ठीक है ये इसकी जनरल फॉर्म होती है कॉम्प्लेक्स नंबर की जनरल फॉर्म होती है इस चीज़ का मैं एग्जाम्पल दे के आपको थोड़ा बताऊँ जैसे रूट फाइव आइटा स्केयर ले लिया हमने ठीक है रूट फाइव आइटा स्केयर इसका क्या मतलब है कि रूट फाइव का भी स्केयर है और आइटा का भी स्केयर है यही मतलब है रूट फाइव का स्केयर का मतलब फाइव आइटा स्केयर का मतलब माइनस वन तो माइनस फाइव आ गया ठीक है इसी तरह मैं इसी का ही कर देती हूँ माइनस रूट फाइव आइटा स्केयर इसका क्या मतलब है रूट माइनस फाइव का स्केयर और आइटा का स्केयर रूट माइनस फाइव का स्केयर मेरे पास क्या होता है फाइव और आइटा स्केयर होता है माइनस वन तो क्या आ जाएगा माइनस फाइव देखो अगर आप दोनों एक चीज़ नोटिस कर रहे हो कि हमने जब प्लस का लिया तब भी माइनस फाइव आया और यहाँ पर माइनस का ले तब भी माइनस मतलब ऐसे आ रहा है दोनों सेम आ रहे हैं मतलब कि कहने का मतलब है कि रूट फाइव आइटा लिया या माइनस रूट फाइव आइटा ले रही हूँ तो दोनों का रूट जो है सेम आ रहा है तो वही चीज़ है कि रूट ऑफ़ माइनस फाइव जो है किसकेला रूट ऑफ़ फाइव आइटा के यही चीज़ डिफाइन हो रही है इस एग्जाम्पल से ठीक है अब मैं आगे आपको बताती हूँ मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या बता रही हूँ मॉडुलस मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ठीक है अब देखो मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में हम क्या करते हैं देखो सबसे पहले तो मॉडुलस का सिंबल ये होता है ये आपको पता भी नहीं होगा शायद अभी तक प्लस वन में ही स्टार्ट होता है मॉडुलस वगैरह ठीक है इसमें क्या होता है ये डिनोशन है डिनोटेड बाय दिस कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको किसी से मॉडलेस कहा होगा तो मॉडलेस ये सिंबल होते हैं अब मैं इसी को देखूँ मॉडलेस अगर हम ये कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन करें तो इसका मतलब है ए स्केयर प्लस बी स्केयर कहने का मतलब है जेड इक्वल्स टू ए प्लस आईटा भी होती है ना स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने इसका मॉडलेस किया तो ये हो गया मोड uh, के अंदर और ये क्या हो जाता है इसका फॉर्मूला क्या है रूट इसका स्केयर प्लस इसका स्केयर बी का स्केयर ठीक है मैं इसका क्वेश्चन कैसे होगा इसका इसका ऐसे होगा जेड इक्वस टू मान लो दे रखा है फोर प्लस टू आइटा दे रखा है और मोड फाइंड है फाइंड मोडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ठीक है तो हम इसका क्या करेंगे मोड ऑफ़ जेड इक्व टू क्या होता है ए स्केयर मतलब फोर का स्केयर सिक्सटीन प्लस टू का स्केयर फोर सिक्सटीन हंड्रेड फोर ये जो है हमारा इसे सॉल्व कर देंगे तो ये हमारा मोडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया ठीक है ये मेन मेन चीज़ें मैं आपको थोड़ा सा बता रही हूँ आगे हम पढ़ रहे हैं कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कॉन्जुगेट क्या होता है देखो अगर जेड है टू प्लस थ्री आइटा कॉन्जुगेट में क्या करते हैं हम इसमें जहाँ यहाँ प्लस होता है ना माइनस में हो जाता है ये कॉन्जुगेट का साइन होता है इसको मोडलस का जैसे ये साइन होता है ना तो ये कॉन्जुगेट का साइन ये होता है जेड टू प्लस थ्री आइटा यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पे माइनस आ जाता है अगर जेड आपसे पूछा जाए कि हमारे पास है थ्री माइनस फोर आइटा तो कॉन्जुगेट का है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा थ्री प्लस फोर आइटा हो जाएगा हमारे पास समझ रहे हो कि ये कैसे हो रहा है कि अगर कॉन्जुगेट पूछा है हमारे पास तो ये कॉन्जुगेट कैसे हो जाएगा माइनस का प्लस में चेंज हो जाता है प्लस का माइनस में चेंज हो जाता है ठीक है कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो मैं आपको नोट्स में प्रोवाइड कर दूँगी कि क्या प्रॉपर्टीज़ हैं वो थोड़ा सा मॉडलर्स की भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो आप देख लेना जैसे प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं इनकी कि अगर कोई नंबर कोई ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर है कि उसका एक बार कॉन्जुगेट किया और दोबारा कॉन्जुगेट किया तो वो जेड के इक्वल होता है इस चीज़ का क्या मतलब है अच्छा मैं आपको एग्जाम्पल से करवाऊँ अब ये यही देख लो कि आपने ये थ्री जेड लिया इसका कॉन्जुगेट किया ये आया इसका दोबारा कॉन्जुगेट करना यही नहीं आ जाएगा सेम ही नहीं आ जाएगा इसके इक्वल तो वो कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि क्या चीज़ें होती है ठीक है एक्सरसाइज वी डिस्कस लेटर थैंक यू स्टूडेंट्स